इंदौर सहित जिले भर में होलिका दहन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई जगहों पर होलिका दहन करके लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नगर में दो दिन मंगलवार व बुधवार को यह पर्व मनाया गया। वहीं इंदौर में सबसे पहले सरकारी होली राजवाड़ा के सामने जली और यह 295 साल से चली आ रही परंपरा है, जिसका निर्वहन इस वर्ष भी किया गया। फाल्गुनी पूर्णिमा पर भ्रदा व्यापिनी प्रदोष काल में सोमवार को इंदौर में सबसे पहले राजवाड़ा पर सरकारी होली का दहन किया गया। वहीं इंदौर के साथ बेटमा में भी कुछ स्थानों पर मंगलवार रात भी होली का दहन हुआ और इसके साथ ही होली पर्व का उत्साह शुरू हो गया। होली का दहन के पूर्व महिलाओं ने होलिका की पूजा कर परिवार के सुख और आरोग्य की कामना की। बुधवार को सुबह से ही इंदौर में धुलंडी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली का सबसे ज्यादा आनंद बच्चों ने लिया और बच्चों ने जमकर होली मनाई। उन्होंने एक दूसरे को खूब रंग गुलाल लगाया। इंदौर अपने विकास के साथ साथ परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। शहर में होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ की होली देखने के लिए आते हैं। होलिका दहन को जहाँ नई पीढ़ी ने मोबाइल के कैमरे में कैद किया, वहीं पुरानी पीढ़ी ने होली की अग्नि पर गेहूं की बालियां सेकी और होलिका की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।